वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। विक्रमादित्य चोर, वो भी जमानत पर बाहर है तुम्हारी। अरे शर्म कर ले विक्रमादित्य, तुझे इतनी शर्म नहीं है? आज अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे थप्पड़ लगा के कहते माफी मांग। विक्रमादित्य सिंह क्या चीज है? देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य अगर किसी सरकार के अंदर हुआ तो वाजपेयी साहब की सरकार में हुआ, और उसके लिए हम भी उनका मान सम्मान जो है वो करते हैं। का साथी एम यानी एम यानी तो देख लीजिए भाई, छह बार तू हरे, बारह थे चीफ मिनिस्टर उगरा, छह बार, आठ बार तू हरे उठा थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उगरा, आठ बार, 40 साल जितने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी उन्होंने तिरस्कार किया, कहा कि 2014 में आजादी मिली, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे। स्विफ्टली लाइक आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए, जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वॉज हियर फॉर दी, नहीं थी वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप, मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, जयराम जी आपके सराज में इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा डेंट मारेंगे, ऐसा डेंट मारेंगे कि आपको भी याद रहेगा कि क्या विक्रमादित्य सिंह क्या चीज है। देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य अगर किसी सरकार के अंदर हुआ तो वाजपेयी साहब की सरकार में हुआ, और उसके लिए हम भी उनका मान सम्मान जो है वो करते हैं। आज आप उनको भी भूल गई हैं, आज आप उनके इतिहास को भी भूल गई हैं, आपको केवल दिखता है कि 2014 में भारत को जो है वो आजादी मिली। तो मैं जहां बात कर रहा था तर्क की, मैं जहां बात कर रहा था इतिहास की, मैं जहां बात कर रहा था आंकड़ों की, तो ना उनको आंकड़े समझ आते हैं, ना उनको तर्क समझ आता है, और ना ही उनको इतिहास समझ आता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं क्या कहूं, जय श्री राम ही कह सकता हूं उनको, जय श्री राम। मगर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। मैं आज भी उनको कह रहा हूं, फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर आपकी बात मोदी जी इतनी सुनते हैं तो कृपया करके मेरा आपसे विनम्रता से निवेदन है, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जिनके लिए हमारी सरकार ओपीएस के माध्यम से जो है ऐतिहासिक 1.25 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दे रही है, उनका 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में फंसा हुआ है। अगर आपकी इतनी चलती है मोदी जी के साथ तो आप भाषण में कहिए कि ये पैसा मैं दिल्ली से कर्मचारियों के लिए लेकर आऊंगा, तो मैं भी कंगना जी का मुरीद हो जाऊंगा अगर वो ये पैसा हिमाचल के लिए लाएंगी या इसके बारे में बात करेंगी, मगर नहीं करेंगी क्योंकि उनको पता है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तो हम बन जाएंगे, 4 जून को बनेंगे, मगर आज भी मैं आपका एमपी हूं। वो एमपी क्या है? वो एमपी है आपका दुख सुख का साथी, एम यानी एम यानी मुश्किल समय का समर्पित पारिवारिक सदस्य। एमपी यानी आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आपका एमपी आपके साथ खड़ा रहा है, इसका प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं कि विक्रमादित्य सिंह जो है षड्यंत्र में फंसकर यहां पर आया है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिसके ऊपर मां बीमा काली का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर प्रभु राम का आशीर्वाद है, उसका षड्यंत्र कोई कुछ। तो देख लीजिए भाई, छह बार तू हरे, बारह थे चीफ मिनिस्टर उगरा, छह बार, आठ बार तू हरे उठा थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उगरा, आठ बार, 40 साल जितनी जो मेरी उम्र में, नहीं सोचो भैया, जगत के जो पैदा जगत के ना परिवार ही देखे और कुछ देखे ही नहीं आई थी। अपू विक्रमादित्य अपने आप भी 10 साल थे विधायक का, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आ
पड़े हुए हैं, वो ऑफिस नहीं जाता है, तो उसको एमपी बनना है कि भाई तुम्हारे परिवार के चिपक गया है कि कुर्सी से, और कोई हमारे युवा बचा ही नहीं है पूरे क्षेत्र में। वहाँ पे कहती है कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है ये प्रदेश की 70 लाख आवाम चुनकर वहां पर भेजती है, ये कोई समाज में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, तो ये जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है ये जनता का तिरस्कार कर रही है। जनता ने अपना कीमती मत देकर वीरभद्र सिंह जी को 22 साल हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, ये जनता का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई आप अपना काम करो, आपको दो दो मंत्रालय मिले हुए हैं, आपकी माता जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो आप अपना काम करो, अच्छी नीति ना जो राजपिता होनी चाहिए ना राजनी है, रोड अरे जितने बुरे हाल है भाई, आने कल आनी त्याय के नहीं, दो लोग का जो मेरे गड़िया मेरे सौगी चल रहे, दो लोग का जो चक्कर पे इतने बुरे हाल है रोड तीतना रहे, और फिर नजदीकी रोड है रामपुर आनी, बहुत बुरा हाल, पर ये परिवार नहीं मन रहा है, बिल्कुल नहीं मनी सकते। और वही वो राहुल गांधी का परिवार, कब तक ये परिवारवाद की दीमक जो है वो हमारे देश को खाएगी दोस्तों, कब तक। मर रही है कि मुंबई से क्या चीज आई है और उसको देखने को आती है। अरे प्रतिभा जी मैं देख रही हूँ कि आपकी बेटी भी आजकल कैंपेन कर रही है, कैसा लगता है आपको कि वो जो भीड़ आ रही है तो देखने को आ रही है, वो क्या चीज है, क्या दुख होता होगा मेरी माता को जब आप इतनी गंदी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ये मेरे भाई बहन, ये जो बेटियां और माताएं आई हैं, ये देखने आई है कि अपनी कंगना को मिलने आए हैं, इसमें ये क्या बात है कि ये क्या चीज है, इस तरह की इनकी जो मानसिकता है, ये कहते हैं कि हम राजघराने के हैं, राजघराने के लोग ऐसी बातें करते हैं कि बेटी बहने को क्या चीज बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। मैं तो कहती हूँ इन लोगों के घमंड की जो है हर हद पार हो गई है। केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी, हिमाचल को कैसे हमने विकसित करना है उसके बारे में बात होगी। दुख मुझे इस बात का है कि एक महीने का कैंपेन हुआ, एक बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो करना क्या चाहती हैं, इस इलाके के लिए उनकी सोच क्या है, क्या वो हमारी महिलाओं के लिए करना चाहती है, क्या वो हमारे इलाके के सड़कों के बारे में करना चाहती है, क्या वो हमारे टूरिज्म के बारे में कहना चाहती है, उस बारे में एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। केवल और केवल मोदी जी का गुणगान करते रहती है, और उस गुणगान को करते करते जो इन्हीं के पहले के नेता रहे, हमारे पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी उन्होंने तिरस्कार किया, कहा कि 2014 में आजादी मिली। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उनका भी योगदान देश के अंदर है। पूर्व में कई हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री भी हिमाचल में रहे, धूमल साहब रहे, शांता कुमार जी रहे, उनका भी योगदान हिमाचल प्रदेश के निर्माण में रहा है। इस तरीके से जो आपने तिरस्कार किया है, ये हिमाचल की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, और खास करके जो देव समाज के साथ आपने खिलवाड़ किया है, ये बात आज हमारे देव समाज के लोग, आज आरएसएस के लोग, आज विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपका जो खान पान है, आज आप उसके साथ मंदिरों में जा रही हैं, आप हमारे देव समाज के ऊपर जो प्रहार कर रही हैं, ये चीजें हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है, इन चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य चोर, वो भी जमानत पर बाहर है, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें होस्टल मिलेगा। दोनों माँ बेटा जो है वो सत्ता के भूखे हैं,
आज तक इतने सालों में जयराम जी ने कभी कोई मर्यादा नहीं लांघी। और विक्रमादित्य उन्हें कहता है कि मैं जयराम को डंडा मारूंगा। अरे शर्म कर ले विक्रमादित्य, तुझे इतनी शर्म नहीं है? आज अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे थप्पड़ लगा के कहते माफी मांग जयराम जी से। दिल्ली में बैठा हुआ है ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहाँ पर भी है। ये जो घमंड की भाषा बोली जा रही है, ये जो अभद्र भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जा रही है, चाहे वो जयराम जी के खिलाफ हो चाहे वो मेरे खिलाफ हो।